अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो आज काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद मैं एक बहुत ही मज़े की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। वो है चिकन रोस्ट की, फुल चिकन रोस्ट जो मैं आज ओवन में बनाऊँगी। इलेक्ट्रिक ओवन हो या गैस वाला ओवन हो, उनमें जिसमें मर्ज़ी आप बहुत ईजीली बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ और साथ साथ में बताती हूँ किस तरह इसको मैं बनाऊँगी। सबसे पहले मुझे चरगा बनाने के लिए चाहिए नमक, और ये है काली मिर्च और ज़ीरा, ये है दही, ये है धनिया पाउडर और तंदूरी मसाला, ये है तिक्का मसाला, ये है हल्दी, ये है कॉर्नफ्लावर, लेमन जूस और ऑरेंज फूड कलर और अंडा। ये मैंने लिया था चिकन, फुल चिकन लिया है। उसके मैंने अच्छे से स्किन वगैरह उतरवा ली थी। अब इसके थोड़े से डीप कट लगाएंगे ताकि जो मसाला हम बनाएं वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। चारों तरफ अच्छे से इसको इसके कट्स लगा लेने हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से इसके मैंने कट्स लगा लिए हैं। चलिए इसका मसाला बनाते हैं कि क्या क्या उसमें ऐड करेंगे। मसाले के लिए मैंने सबसे पहले एक बड़ा बाउल लिया है, उसके अंदर पहले मैं दही ऐड करूँगी। दही 3 टेबलस्पून है भर के, ये वाले 3 टेबलस्पून। चलो दही ऐड हो गई है। अब इसके अंदर जाएगा तंदूरी मसाला, ये है 1.5 टीस्पून। फिर जाएगा इसके अंदर हल्दी पाउडर, ये है 1 टीस्पून। ये है धनिया पाउडर, ये है 1 टेबलस्पून। ये है टिक्का मसाला, ये भी अराउंड 1.5 टीस्पून है। 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। ये है ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्च। ये है ऑरेंज जूस, लेमन जूस। लेमन का मैंने अच्छे से स्क्वीज करके उसका वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है, ये है 1 टेबलस्पून। अब इसके अंदर जाएगा अंडा, एक अंडा लेंगे। अच्छे से इसको आपस में मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा जो बैटर है वो थिक भी ना हो ना ज़्यादा पतला हो, इतना हो कि अच्छे से उसके अंदर मिक्स हो जाए। ये देखें बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, इसके भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब लास्ट चीज़ जो है इसके अंदर मैं ऐड करूँगी येलो फूड कलर, येलो ऑरेंज रेड आप कुछ भी ले सकते हैं, थोड़ा सा ऐड करूँगी ताकि इससे कलर जो है वो बहुत मज़े का आएगा। आपस में अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी, सिर्फ 1 टीस्पून, उससे भी कम। इसके अंदर मैं सारा का सारा जो चिकन है वो ऐड कर दूँगी और हाथों की मदद से इसको अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर लूँगी। मिनिमम आपने इसको रखना है 6 घंटे के लिए, या रात को भी रख सकते हैं ओवरनाइट के लिए। 12 से 15 घंटे इसको रखें, इसका और मज़ीद टेस्ट बहुत मज़े का लगेगा। तो अगर जल्दी बनाना हो तो 6 घंटे या 2.5 घंटे भी बहुत हैं। तो इसको बहुत अच्छे से प्रेस कर करके अंदर की तरफ मिक्स करना है ताकि जो मसाला है वो सारा का सारा अंदर तक चला जाए। सॉरी, मैं ज़रा अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो ऐड करना भूल गई। तो ये मैं 1 टेबलस्पून लूँगी और इसको ज़रा मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करके इसको भी स्प्रेड कर दूँगी। बस जल्दी जल्दी में मेरे माइंड से ही निकल गया कि अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भी ऐड करना है। वो ज़रा दूर पड़ा हुआ था, मुझे नज़र नहीं आया।
तो आप लोगों ने गलती नहीं करनी है। ये मैं सारी की सारी जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी और मैं साथ साथ स्क्रीन के ऊपर भी लिख दूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। लास्ट का अब क्या करना है कि इसकी जो टांगे हैं और इसके जो बाजू हैं ना वापस में बांध देने हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक थ्रेड धागा, मोटे वाला यूज़ करना है आपने। अभी फ़िलहाल मेरे पास जो था वो पतले वाला था, तो मैंने क्या किया इसके चार इसको चार दफ़ा इसको अच्छे से फोल्ड करके थोड़ा इस तरह का थिक कर लिया। तो अब जो है इन दोनों को पकड़ के अच्छे से डबल आपने ऐसे रोल करना है और गिरा लगा देनी है। ये इस तरह से ये कुछ इस तरह से ठीक है। अब मैं जो इसके बाजू वाली साइड है वो भी आपको बांध के दिखाती हूँ ताकि जब हम इसको ओवन में बेक करें तो इसका जो है वो अच्छे से बेक भी हो और इसका बाकी हिस्सा नीचे की तरफ लटक ना रहा हो, इसलिए इसको बांधते हैं। इस तरह से डबल नॉट लगा लेनी है ताकि खुले ना। जो बाकी धागा बच जाएगा इसका उसको मैं काट दूंगी। अब हमने क्लिंग फिल्म लेनी है और इसको अच्छे से बंद करके छोड़ देना है। ये देखें जी, इसको मैंने अच्छे तरीके से पैक कर दिया है। अब इसको मैं 6 घंटे के लिए छोड़ दूंगी ऐसे ही मैरिनेट होने के लिए और 6 घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको मैं किस तरह से बेक करूँगी। चलें अब जो है मैं इस रॉड के ऊपर ये जो चरगा है वो मैं इसको अटैच करके आपको दिखाती हूँ ताकि ओवन में किस तरह रख सकते हैं और इसको किस तरह से आप टाइटली अटैच कर सकते हैं ताकि वो गिरे ना। दोनों साइड्स के आपने इस तरह रख के इसके बाद इसके जो ये रॉड्स हैं ये जो टांगों वाला एरिया आपने इसको इस तरह उठा के दोनों साइड्स पे थोड़ा ऐसे प्रेस करना है और फिर यहाँ से इसको इसका जो पेच है वो टाइटली बंद कर लेना है। इधर से बंद करते हैं ताकि जब ये ओवन में घूमे तो ये गिरे ना। ये देखें बिल्कुल भी नहीं अपनी जगह से हिल रहा। अब ये थोड़ा सा जो इसका मसाला है फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड करके छोड़ देंगे ताकि जो जितना भी मसाला इसका गिरना है वो एक दफ़ा ही गिर जाए। और ओवन को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया हुआ है, जैसे ही वो गर्म होता है फिर इसके अंदर इसको अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने जो ये जो चिकन है ये मैंने रॉड पे लगा दिया था और इसके ऊपर वाला बर्नर अभी नहीं मैंने चलाया था और नीचे वाला सिर्फ ऑन किया था। इसको मैं 50 मिनट्स के लिए पकाऊंगी। ये देखें यहाँ पे मेरा जो चरगा है जो स्टीम रोस्ट है वो मेरा पक चुका था और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी। और मैं अब आपको काट के भी दिखाती हूँ कि ये बहुत ही नरम और बहुत जूसी बना था। आप लोग भी अपने घर में ट्राई करें। और साथ में मैंने इसके रायता बनाया था पुदीने की और ग्रीन मिर्चियों की चटनी वाला, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।